They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming, I'll be fine. फिटनेस सीरीज में प्लान किया है कि भी हर डे कुछ ना कुछ हेल्दी जरूर खाना है और टाइम से खाना है। तो ये ऑफिस के लिए हो गए रेडी। आधे से पौने घंटे का टाइम था मृदुल के रूम को अरेंज करने का, जो कि हर हफ्ते में ही होता है लगभग। अभी हमने अब ऐसे ही रखा है। पता है सबको ना लाइफ में बस इसी बात का गम है कि उन्हें कम मिला है, लेकिन एक बार सोच कर देखिए जितना आपको मिला है वो किस किस को मिला है ना। तो जब भी कुछ ऐसा ख्याल आए तो बस यही लाइन याद रखिएगा, और एक अंधेरी सुबह के बाद सुंदर सी सूरज की किरणों के साथ नई शुरुआत होती है। तो इसी नई शुरुआत और नए दिन के साथ आप सबका स्वागत है दोबारा से मेरे चैनल बी विद बीनू में। फिटनेस चैलेंज सीरीज डे 10 हमारा है। उठ गए, नहाना धोना कंप्लीट कर लिया, 4:30 बजे से टाइमिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद चले छत पे, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, मौसम बहुत बढ़िया था। तो उगते सूरज की फैली आसमान में इस लालिमा को देखते हुए, ठंडी हवा को महसूस करते हुए हमने भी अपने एक अच्छे से दिन की शुरुआत की अपने योगिक एक्सरसाइजेस के साथ में। पहले कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग, नी रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन एक्सेट्रास, और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर योगासनास जो मैं डेली बेसिस पे करती ही करती हूँ, जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और कुछ एडिशनल रोटेशन मैं फॉलो करती हूँ। तो आप अर्ली मॉर्निंग, जब कई लोगों को ना सनसेट बहुत पसंद होता है, बट मुझे पर्सनली सनराइज़ बहुत पसंद है। ये आपको ना मोटिवेट करता है। अगर आप सनराइज़ ऑफकोर्स आपने देखा होगा बट इसको फील नहीं किया होता है कई बार, क्योंकि जब मुझे भी स्कूल जाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि हम आराम से रिलैक्स होकर के बैठें और देखें। बट आजकल छुट्टियां हैं तो बड़ा अच्छा मुझे फील होता है। तो मैं एक बार छत खोलने आती हूँ तो मैं 10 मिनट रुकती हूँ, और कभी मैं योगा छत पे करती हूँ और कभी बैकयार्ड एरिया पे चली जाती हूँ। जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है छत पे ही। तो अभी देखिए हवा ना बहुत बढ़िया चल रही है। और सारे योगासनास कंप्लीट करने के बाद ना हमें शवासना करवाया जाता है, जो हमारी बॉडी को यानी फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन का काम करता है। तो मैं ओम चैंटिंग भी कर चुकी थी, बट उसके बाद ठंडी हवा को महसूस करने के लिए फिर से मैं वहीं लेट गई। मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था, और पीछे देखिए सनराइज़ हो चुका है सुंदर सा। तो इस शवासना के बाद रिलैक्स और एक नए दिन के लिए एनर्जी गेन करते हुए हम चलते हैं वापस नीचे। तो इस ब्यूटी सी मॉर्निंग को ना आप ज़रूर फील करके देखिए। 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट मिनिमम आप अपने आप को दीजिए, जिस समय बस कई बार ना कुछ मत बोलिए, बस उसे फील करिए। तो बस कुछ ऐसा ही आजकल मेरे साथ मॉर्निंग के ये 1.5 आवर का टाइम रहता है। वापस से नीचे आ गए हैं, और उसके बाद मैं लेती हूँ ये डिटॉक्स वाटर। तो बच्चे यहाँ पर सोए हुए थे और एक भाई साहब उठ चुके हैं, इन्हें दिया दूध पहले, उठने के बाद चाहिए तुरंत से जो कि। तो उसके बाद हम ले लेते हैं अपना डिटॉक्स वाटर, और इसके बाद हम बाकी के कामों को 1 by 1 टारगेट करेंगे। तो टिफ़िन और ब्रेकफास्ट सब कुछ 7:30 से 8 के बीच में रेडी हो जाना है, क्योंकि इनका ऑफिस रहता है। तो अभी मृदुल भी उठ चुका है, और मृदुल का टाइमिंग जो है 6 to 7 का वॉकिंग साइकिलिंग है। तो 6 मतलब बच्चा है एग्जैक्टली 6 पे उठे ज़रूरी नहीं है, इसलिए 6 to 7 1 आवर पूरा स्ट्रेच टाइम इसको दिया हुआ है कि 6:15, बट 6:30 तक तो उसको उठना ही उठना है। तो अभी जो है टाइम 6:15 हो चुका था, तो ये भी उठ के अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस पे गया, और इसे देख लो ये ना फिर से घुटनों के बल चलने की प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ आ गए हम नाश्ते के लिए। आज के नाश्ते में मैंने शाम में मूंग दाल भिगा दी थी कुछ स्प्राउट बनाने के लिए, और साथ में मैंने सोचा कि थोड़े से मंगौड़े बना देती हूँ। तो छोटा वाला तो खा लेता है, बट बड़े वाले के नखरे बहुत रहते हैं, तो इसको ये मूंग दाल के पकौड़े या मुखौड़े जो आप कह लीजिए ये कम पसंद है। इसके साथ बढ़िया सी बनाई थी मैंने, हरे आम, एक आम डाला और प्याज टमाटर पुदीना मिला के बढ़िया सी हरी चटनी। तो ये बढ़िया से जोशी जी को दे दिया ब्रेकफास्ट। साथ में लंच के लिए बनाया हुआ था थोड़ा सा पुलाव, और इसके साथ में हमने टिफ़िन भी रेडी कर लिया, ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। टिफ़िन इनका रखना था तो हमारा भी दिन के लिए हो गया रेडी। तो ये हमारे टेस्ट एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि भाई बढ़िया बना है। तो ये हो गए हैं ऑफिस के लिए रेडी, और इनके साथ साथ ही लगभग मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए 8 बजने वाला है। तो ये रहा नाश्ता पानी। भाई वॉक हो गया कंप्लीट? कितने स्टेप? 1467 90 बंद हो गया। चलो, तो मैंने अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस कराया, वॉक कराया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू
प्रॉमिस, वादा कि 8 से 8:30 के बीच में होना है नाश्ता। तो जोशी जी निकल गए ऑफिस और इनका हो चुका नाश्ता, एक पूरा खा के। मंगौड़ी ये खाते नहीं थे, इसके लिए मैंने एक आलू काट करके बेसन का पकौड़ा निकाला। तो अभी इन बच्चों की फरमाइश पूरे करने के चक्कर में हमारे काम हो जाते हैं और दुगने। आज मॉर्निंग पे ना बढ़िया सी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत गर्मी नहीं थी, तो मैंने बढ़िया सी एक कप कॉफ़ी बनाई और आधा घंटा हम फिर किचन क्लीनिंग के बाद बैठ गए थे यहाँ पर बच्चों के साथ। इनका कार्टून चल रहा था, थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, कुछ बातें इनके साथ हो गई, तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड हो गया और फिर चले बैकयार्ड पे पानी डालने। आगे भी पीछे भी दोनों तरफ पानी डालना रहता है, तो बैकयार्ड पे आज मृदुल कर रहा है मेरी हेल्प। वेरी गुड, आराम से बेटा, विंडो के वहाँ अंदर हमारे रूम पे जाएगा पानी। नीचे देखो छोटे से पेड़ है उसके, वो उसमें जोर से मत मारना, नीचे झुक के डालना पड़ता है बेटा। हाँ धीरे से डालो, वो नन्हे नन्हे से प्लांट है ना लौकी का, और उसका प्लांट छोटे छोटे से हो रहे हैं, इसकी जड़ पे हल्के से डालना होता है, नहीं तो उखड़ जाएगा वो। इधर डाल दिया, इधर पे डाल दिया पूरा। ओके वेरी गुड, ठीक है। ये देखिए मृदुल ने पूरा पानी डाल के कर दिया काम अपने इस हाफ एन आवर वाले पीरियड में। एक्सीलेंट, मृदुल को दी जाएगी एक चॉकलेट इनाम है, और आपको इतनी बड़ी चॉकलेट क्यों देंगे आपको? आपने क्या करा? आप बड़े हो, कितने बड़े हो आप? दादा बड़ा है, इतने बड़े हो। तो इसके बाद बच्चों को सेट करके मैं वापस आ गई किचन में। तो बेसिक क्लीनिंग तो किचन की रोज ही होती है, और जब भी खाना बनता है जितने बार भी उतने बार होती है, बट बीच बीच पे हम थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करते हैं जब भी हमें टाइम लगता है। तो आजकल छुट्टियां हैं तो जनरली मैं इसको रिलैक्स होकर आराम से करती हूँ। अभी सारे बर्नर वगैरह ओपन करके और सारे सामान वगैरह उठा करके प्रॉपरली सेट करके ये क्लीनिंग करने का मेरा टारगेट था यहाँ पर। तो पहले बेसिक सारे काम निपटा लिए, उसके बाद फिर, और जब भी हम वॉश करते हैं ना, ये जो स्क्रॉच ब्राइट रहता है जूना, इसको हर बार आप क्लीन करके ही रखेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। और ये जो डिस्पेंसर है ये काफ़ी अच्छा है, गंदगी से नहीं होती, और इस पर ही ऊपर रखने का भी रहता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने ऑनलाइन ही ये मंगवाया हुआ था। और घड़े का ही पानी हम आजकल यूज़ करते हैं, फ्रिज का पानी मैं बच्चों को भी नहीं देती क्योंकि फिर छींकते हैं और नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो कुछ बनाना है तो ही फ्रिज का पानी यूज़ होता है। तो क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग भी हो गई प्रॉपरली, बर्नर वगैरह सब अच्छे से साफ कर लिया, पानी भरना सब कुछ काम निपट चुका था लगभग। इधर मशीन चलानी थी और कुछ हैंड वॉश के कपड़े थे, ये काम भी हम निपटा लेते हैं। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट टास्क मेरा आज का था मृदुल के रूम और अलमीरा को सेट करने का। अगला टारगेट है मनु की अलमीरा को सेट करना। ये देख लो भाई साहब कितने अच्छे से इनको अलमीरा सेट करके दी थी। अब ऐसा करो, ये सारे कपड़े आप निकालो बाहर पहले यहाँ मैट पे। यस, तो यहाँ पर मेरा प्लान था एक DIY बास्केट बनाने का, क्योंकि मुझे 3 बास्केट की ज़रूरत थी इसके कपड़ों को अलग अलग सेग्रेट करके संभालने के लिए, बट एक ही बास्केट थी। ये बिस्तर पे आपको रखी हुई दिख रही है, तो ये कार्टन बॉक्स हमने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास ना पेपर नहीं था कोई भी रैप करने के लिए, तो इसके बर्थडे के जो टैग्स रहते हैं ना कार्ड से, तो वो मैंने चिपका दिए कि एटलीस्ट ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा। और इस पर सारा हमने ऐड कर दिया इसकी स्कूल ड्रेसेस वगैरह, और प्रॉपरली सारी चीज़ों को, कपड़ों को, बैग्स को, बुक्स को अलमीरा पे मन्नू के साथ बैठ के हमने अरेंज किया। तो जब आप बच्चों को अपने साथ काम में लगाते हैं साथ में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीखते ही हैं, उसके साथ ही साथ ना सेल्फ डिसिप्लिन उनमें डेवलप होने लगता है कि ये मेरा सामान है, मेरा रूम है, प्रॉपर क्लीनिंग करना वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं। अदरवाइज मैंने कई सारे लोगों को देखा है, इवन आफ्टर मैरिज भी वो खुद के इवन अंडरगारमेंट्स तक वॉश नहीं करके जाते हैं, तो ये एक रॉन्ग हैबिट है। तो ये बच्चों में, चाहे बेटा हो या बेटी, ये सबको जो बेसिक काम है आने चाहिए। तो मैं मैक्सिमम चीज़ें बच्चों को करने के लिए मोटिवेट करती हूँ, खुद हम उनके साथ लगते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी पूरी अलमीरा हमने सेट कर दी है, तो प्रॉपरली ये कपड़ों को सेग्रेट करके हमने रख लिया, जीन्स एक साथ, शॉर्ट्स एक साथ, और इसमें हमने जो DIY हमने बनाया ये, इसमें हमने इसकी स्कूल ड्रेस वगैरह सारी रख दी, हाउस ड्रेसेस, ट्राउज़र, पैंट, टी शर्ट्स जो भी रहते हैं, क्योंकि अभी तो एक महीना ज़रूरत है नहीं, इसके ऊपर वाले में रख दिया टी शर्ट्स वगैरह जो कि घर पर और ऐसे ये पहनता है, और बाकी जो थोड़े से कैजुअल्स हैं हैंग करके रख लिए। सेकेंड ड्रॉर पे, ये ड्रॉर पे मनु के ना अंडर गारमेंट्स बेसिकली रहते हैं कि फैले ना, गिरे ना। और नीचे इसके सारे बैग पैक कर दिए, स्कूल बैग, फुटबॉल बैग, और इसका अबिकस क्लास का बैग, और सबसे नीचे रैक पे हमने डाल दिए बुक्स वगैरह। तो ये प्रॉपर अरेंज हो गई अलमीरा।
तो अभी टाइम शेड्यूल जो बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम खुद को टाइम में बांध रहे हैं, अगर कभी चीज़ें इधर उधर होती हैं देन इट्स कम्प्लीटली ओके, बट एनी हाउ हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। तो अभी आप घड़ी में देख रहे हैं 12:15 हो चुका है, चलते हैं लंच के लिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।